उससे अगले दिन की बात है, मैं अपने कमरे में मैं YouTube स्क्रॉल कर रहा हूँ और मजे की बात बताऊँ, मेरे सामने ज़िया भाई की वीडियो आई है। इट वॉज अबाउट रिलेशनशिप्स, मुझे एग्जैक्टली टाइटल उस वीडियो का याद नहीं है, वो मैंने देखी। अच्छा, मैंने मजे की बात ज़िया भाई को सब्सक्राइब ही नहीं किया, ना यूट्यूब को सब्सक्राइब किया, ना मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा हूँ, ना मैं फेसबुक पे फॉलो कर रहा हूँ। उससे कि बिल्कुल नीचे ताहा भाई की वीडियो डोंट ब्रेक योर हार्ट, वो वीडियो मैंने देखी। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। उससे के नीचे अब मजे की बात होता हूँ, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, ये मिरेकल था, मैं इसको मिरेकल समझता हूँ। उससे के बिल्कुल नीचे अली भाई, वजी भाई और ताहा भाई की वीडियो प्यार इश्क और खबर। बेसिकली जो मेरा बचपन है वो बाहर गुजरा है, जिसकी वजह से मैं एक काफ़ी लिबरल किस्म का बंदा था। मेरे लिए दीन पे चलना इट वॉज लाइक अ पर्सनल ओपिनियन, जिसने चलना है वो चले, जिसने नहीं चलना उसकी मर्जी, दीन इज नॉट मैंडेटरी टू फॉलो, ठीक है। इसी सोच के साथ बैक इन 2014 आई वॉज इन माई कॉलेज और ब्रेक टाइम थी, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ, मेरे एक दोस्त ने हैंडसी लगाई हुई और वो उसमें म्यूज़िक सुन रहा है। मैंने उसको छेड़ने के लिए वैसे ही उससे मैंने हैंडसी ली, मैंने सुनने के लिए कि क्या सुन रहा है, देखा मैंने तो उसने एक म्यूज़िक होता है EDM, इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक, वो सुन रहा था, एंड इट वॉज बाई DJ स्नेक। मैंने सुना, बड़ा अच्छा लगा, मैं घर गया, मैंने जाके इंटरनेट पर सर्च किया, मुझे उसका ट्रैक सुना, बड़ा अच्छा लगा। उसके साथ साथ मैंने इसकी और म्यूज़िक सुनना स्टार्ट कर दिए, बहुत ज़बरदस्त किस्म के मुझे लगे, काफ़ी लाइक मैं यू नो इनसे लाइक मोटिवेट हुआ कि यार अब मैंने एक ऐसी ज़िंदगी में लाइक ऐसे स्टेज पे पहुंच गया। मैंने कहा यार ना मैंने सुनना है, मैंने अब बनना है DJ और इसको मैं अपना एज अ करियर लेके जाना चाहता रहा। मैं कहता रहा पढ़ाई में क्या रखा है, कुछ भी नहीं है, पढ़ाई के बाद मैंने जॉब करनी, इससे बेहतर मैं अपनी करियर को लेकर चलूँ आगे। मैं लिटरली पूरा हफ्ता लगाता रहा सेट्स बनाने में, घंटे के डेढ़ डेढ़ घंटे के सेट्स बनाने में। मैं उनको साउंड क्लाउड पर अपलोड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे कर रहा हूँ, अपने दोस्तों को सुना रहा हूँ, यार देखो मुझ में टैलेंट है, मैं म्यूज़िक बना सकता हूँ। यू नो एक विजन था ना कि यार जैसे बाकी DJs हैं जो फेमस हो चुके हैं, उनके जैसा मैंने ही बनना है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फेमस DJ मैंने बनना है। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और स्टोरी चल रही है लाइक बिल्कुल पैरेलल, वो ये कि जितने मेरे सर्कल में दोस्त हैं ना मेरे, सबकी गर्लफ्रेंड्स थी, सबकी, जिसकी वजह से मैं बहुत बॉदर होता रहा, लाइक व्हाई डोंट आई हैव अ गर्लफ्रेंड, होनी चाहिए यार। ये ना शैतानी वसवसे जो इंसान को आते हैं ना कि सब कर रहे हैं, तुम कर लो तो क्या हुआ, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, एवरीबडी डज इट। तो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि 2019 की बात है, मैं एक जगह अपनी इंटर्नशिप के लिए गया, आई डिड फाउंड अ गर्लफ्रेंड, मुझे मिल गई, उसके साथ मैंने लाइक रिलेशन ऑब्वियसली इज़ अ स्टार्ट हुआ। शुरू में लाइक एवरीथिंग वाज सो स्मूथ, सो यू नो हर चीज़ बड़ी अच्छी चल रही है। उस रिलेशनशिप की वजह से मैं मेंटली डिस्टर्ब होना शुरू हो गया बहुत ज़्यादा, लाइक मेरी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, मेरा जो सोशल सर्कल है उस पर मैं लाइक आई एम अनएबल टू यू नो लुक आफ्टर माई फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। मैं घर के काम नहीं कर पा रहा, यूनिवर्सिटी भी यू नो जाता रहा आता रहा, और लाइक बड़ा डिप्रेसिंग सा मेरी यू नो लाइफ स्टाइल हो गया था, लाइक मैं ब्रेकअप भी नहीं कर पा रहा, ठीक है, मेरा ऐसा लाइफ स्टाइल हो गया, मैं क्योंकि ना मैं साथ रह पा रहा हूँ ना मैं ब्रेकअप कर पा रहा हूँ, क्योंकि लाइक आई टोल्ड यू मुझे इससे की वजह से आता है कि यार मैं रिग्रेट करूँगा, इससे अच्छी मुझे कोई नहीं मिलेगी और बस जो है ना लाइफ विल बी डूम्ड एंड एवरीथिंग। अच्छा, फास्ट फॉरवर्ड मैं करूँगा 2020, रमज़ान से एक महीना पहले की बात है, मैं नमाज शमाज नहीं पढ़ता बिल्कुल, मैंने फजर का वक्त हुआ, मैंने मुसल्ला बिछाया और मैंने जाके दो रकात फर्ज पढ़ी और मैंने अल्लाह से दुआ की, यार मैंने अपने आप पे जुल्म किया, हराम रिलेशन पे गया, बहुत अपने आप पे ज्यादती की, मैंने मुझे इस रिलेशन से निकाल बाहर, मैंने नहीं रहना, मेरे मुंह से ब्रेकअप के लफ्ज़ नहीं निकल रहे, मुझे निकलवा, मैंने अपने आप पे जुल्म किया। जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो दुआ पढ़ी थी जब उनसे खता हुई, बिल्कुल मैंने वो दुआ पढ़ी कि यार मैं जालिमीन में से हूँ, मुझे निकाल यहाँ से बाहर, मैं नहीं रहना चाहता इसमें। रमज़ान शुरू हुए, तीसरे रमज़ान में दैट पर्सन ब्रोक अप विद मी फॉर सम रीज़न, ख़त्म कर दिया मुझसे। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यार ये भी होगा मेरे साथ, ये मैं लाइक बिल्कुल आइसोलेट हो गया हर चीज़ से, लाइक कुछ भी नहीं कर रहा, खाना पीना छोड़ दिया, लाइक जितना पहले एक सीवियर एग्नी से गुजर रहा था ना, उससे डबल हो गया मेरे साथ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये होगा आउट ऑफ नोवेयर। ईद गुजरी, ईद के कुछ टाइम बाद यू वुड बी सरप्राइज के दैट पर्सन कॉल्ड मी अगेन ऑन माई नंबर एंड वॉन्टेड टू पैच अप कि यार लेट्स गेट बैक, ठीक है, वी कैन फिक्स थिंग्स। अच्छा, मेरे लिए एक और बड़ी आजमाइश, यार मैं तो अल्लाह से तौबा कर चुका हूँ, अब तो मैं हराम ही नहीं जाना चाहता वापस, अब मैं क्या करूँ। इस सबसे शैतान का इन्फ्लुएंस आ रहा जी के यार दोबारा मौका मिल गया, चला जा, कुछ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, जिस जगह मैं खड़ा हूँ ना, ये सुबह का वक्त था, जिस जगह मैं खड़ा हूँ मेरे कमरे में लाइक ऊपर फ्रेम है जिसमें अल्लाह लिखा हुआ है, वो फ्रेम मैंने उठाया, उसको मैंने अपने दिल के साथ लगाया लिटरली, और मैंने कहा अल्लाह मेरे मुँह से ना ब्रेकअप के लिए उसे निकलवा, मेरे मुँह से निकलवा के मैंने नहीं आना वापस,
क्योंकि मुझ में लाइक इतना मुझ पे प्रेशर आ रहा है शैतान की तरफ से कि मैं ये ना कि वापस इस गुमराही के रास्ते पे चल जाऊं। बिल आखिर मैंने बोल दिया कि आई डोंट वांट टू गेट बैक, लाइक दिल पे पत्थर रख के मैंने बोल दिया। बोला उसके बाद दैट पर्सन स्टार्टेड टू इमोशनली ब्लैकमेल मी कि यू विल नॉट फाइंड एनीवन बेटर देन मी, ये लिखवा लो और तुम पूरी ज़िंदगी पछतावे में रहोगे। अब मैं उसी दिन के लाइक एक दो दिन बाद मैं दोबारा फजर की नमाज में मसला बिछाया, नमाज पढ़ी मैंने, तो मैं बहुत रोया। मुझे लाइक आइडिया भी नहीं है मैं कितनी देर रोता रहा बैठ के, क्योंकि मेरा दिल काफ़ी यू नो काफ़ी लाइक बुरे वक्त से गुजरा था। एक तो रिलेशनशिप की वजह से, ऊपर से ब्रेकअप एंड ऑल दैट, बहुत ही लाइक क्योंकि मेरे अंदर एक था ना वो एक खाम था बहुत ज़्यादा, मैंने कहा निकालो किसी तरह इसको, और मैं बहुत रोया, मुझे याद भी नहीं कितना टाइम हो गया था। अच्छा उसी दिन, उससे अगले दिन की बात है, मैं अपने कमरे में यूट्यूब बहुत यूज़ करता हूँ, मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा हूँ और मज़े की बात बताऊँ, मेरे सामने ज़िया भाई की वीडियो आई है। इट वॉज़ अबाउट रिलेशनशिप्स, मुझे एग्जैक्टली टाइटल उस वीडियो का याद नहीं है, वो मैंने देखी। अच्छा मैंने मज़े की बात, ज़िया भाई को सब्सक्राइब ही नहीं किया, ना यूथ क्लब को सब्सक्राइब किया, ना मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहा हूँ, ना मैं फेसबुक पर फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, ज़िया भाई की वीडियो देखी, वेल डन। उसी की बिल्कुल नीचे ताहा भाई की वीडियो डोंट ब्रेक योर हार्ट। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। उसी के नीचे अब मजे की बात होता हूँ, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, ये मिरेकल था, मैं इसको मिरेकल समझता हूँ। उसी के बिल्कुल नीचे अली भाई, वजी भाई और ताहा भाई की वीडियो प्यार इश्क और मोहब्बत, और वो काफ़ी लंबी थी लगभग पौने घंटे की। ये तीन वीडियोज बैक टू बैक थी मेरी रिकमेंडेशन में, मैंने ना सर्च किया ना कुछ, यूथ क्लब की इतनी वीडियोज हैं लेकिन यही सिर्फ क्यों आई, सवाल ये पैदा होता है, सब्सक्राइब ही नहीं किया और आए भी ये वो हो रही है जो मैंने देखनी है। मैं काफ़ी हैरान, मैंने देखा, मैंने लाइक इनसे काफ़ी इंस्पायर हुआ, मैंने कहा यार ये कौन है यार, ये लेजेंड्स कौन है, मैंने इनसे मिलना है और इनको मैंने फॉलो करना है, कौन है। फिर मैंने लाइक इंस्टाग्राम पे और हर तरफ इनको फॉलो करना शुरू किया और काफ़ी मुझे लाइक अल्हम्दुलिल्लाह मोटिवेशन मिली कि यार कि जो मैंने डिसीजन लिया वो बिल्कुल ठीक है, हराम छोड़ा है, अल्लाह के लिए हराम छोड़ा है, डेफिनेटली मुझे बेहतर चीज़ अदा करेगा जो भी है, क्योंकि मैं तो चाहता था कि लाइक वो जब मैं रिलेशन में था तो वो लाइक शादी में बदल जाए, मैं चाहता था, लेकिन अल्लाह की मर्जी, वो जो चाहे करे। इसी के बाद मैंने लाइक कुरान पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने फिर सूरह यूसुफ जब पढ़ी तो सूरह यूसुफ पढ़ने के बाद मुझे एक मैसेज उससे मिला, वो ये कि जिस तरह अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचाया ना बुरे काम से, उसी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह अल्लाह ने मुझे बचाया हराम रिलेशन से। ठीक है, और अल्लाह ने भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाला आजमाइश के लिए, और जेल से निकालने के बाद उनको बादशाह बनाया मिस्र का, नवाजा ना, हराम छोड़ा अल्लाह के लिए उन्होंने। तो मैं भी अपने बारे में ये सोचता हूँ कि मैंने अल्लाह के लिए हराम छोड़ा है, अभी मेरी आजमाइश का वक्त है, ठीक है, मुझे अल्लाह आजमा रहा है, लाइक जिस तरह का लाइफ स्टाइल मेरा है, मुझे इतना अल्लाह पे भरोसा है कि इवेंचुअली मुझे अल्लाह नवाजेगा, मैं अल्लाह पे इतना मुझे इत्माद है। और जहाँ तक फिर म्यूज़िक की बात आई, जहाँ मेरा डीजे का था, ऐसा वक्त आया मैंने कहा यार लीव असाइड बीइंग अ डीजे, मैंने म्यूज़िक नहीं सुना, डीजे बनना तो दूर की बात, मैंने म्यूज़िक नहीं सुना, आई जस्ट डिलीटेड ऑल द म्यूज़िक फोल्डर्स इन माई फ़ोन, इन माई लैपटॉप, इन माई कंप्यूटर। मैंने कहा मैंने लाइक डीजे बनना दूर की बात, म्यूज़िक भी नहीं सुनना मैंने अब। मैंने लाइक इवन टिल टुडे, मैं उस वक्त से अब तक लाइक बुरदा शरीफ, नाते वगैरह, आई ऑल द टाइम लिसन टू रैप, और उसके साथ साथ कुरान ऑब्वियसली, तर्जमे के साथ मैंने एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म भी किया है बिल्कुल तर्जमे के साथ। तो एट द एंड मैं यूथ क्लब का बहुत थैंकफुल हूँ, मैं जिस मकाम पे हूँ वो आज आपके सामने है।